नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 15वां अध्याय सुना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने पहले सुनाया और 15वां अध्याय है देश काल पात्र और दान का विचार। मतलब दान का विचार, हमें कहाँ कहाँ पे दान करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे दान करके ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो मैंने आपको सुनाया। जब उसे सुनोगे तब आपको पता चलेगा। दान तुम कहीं पे भी कर लो, लेकिन जहाँ पे हमारा मन रम जाए कि हमने यहीं पे दान किया, अपने घर में दान किया या पंडित को दान किया, किसी को भी दान किया, वहीं पे हमारे लिए अच्छा है, जहाँ पे हमारा मन संतुष्ट हो। अब है काल का वर्णन। अब सुना रहे काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। भगवान जी कहते हैं कि शुद्ध हृदय से पूजन किया फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में भी उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय हो। अब है पात्र वर्णन। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं। क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र है। जिस पंडित ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो वह पूजा के पात्र है। बोलो हर हर महादेव की जय हो। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। बोलो भोलेनाथ की जय हो। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए। जिस इंसान को जिस वस्तु की इच्छा हो जिस वस्तु बिना मांगे ही जिस वस्तु की इच्छा हो किसी इंसान को और हमारे पास है वो चीज़, हमें दे देनी चाहिए बिना मांगे ही। ऐसे नहीं कि पहले हाथ फैलाए और फिर हम दान करें, बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान, याचना मतलब मांगना और भीख के समान है, याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेद वेदता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। जो हम गुरु दक्षिणा देते हैं उसका संपूर्ण दान फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों को सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम है। अब है दान का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। दान का वर्णन।